हेलो फ्रेंड्स, आज हम भटूरा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने 1/2 kg मैदा ले लिया है। अब हम इसमें 1 tablespoon चीनी ऐड करेंगे और 1 teaspoon नमक, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, और मैदा भी आप अपने अकॉर्डिंग लें, आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा वाटर। मैंने ये सोडा वाटर लिया है, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे मिलाते हुए हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमारा डो तैयार है, अब हम इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से मलेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे ऑयल के साथ। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। 2 से 3 मिनट मिलाने के बाद ये हमारा आटा तैयार है। अब हम बनाएंगे भटूरे। हमारा आटा तैयार है, तो चलिए बनाते हैं। तेल को गरम करेंगे, तेल हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारे भटूरे अच्छे से फूल सकें। अब हम भटूरे को बेलेंगे, सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सरफेस को चिकना करके इसको बेलेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, तो इसे आराम से हल्के हाथों से बेलेंगे। हमें ऐसी थिकनेस रखनी है ऐसा। अब चलते हैं तेल की तरफ। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भटूरे को डालेंगे और इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से दबाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूल रहा है हमारा भटूरा। अब इसे पलट देंगे, इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे भटूरे तैयार कर लेंगे। मैंने सारे भटूरे तल के तैयार कर लिए हैं, आप भी ऐसे ट्राई करें एक बारी बना के और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा बना। और सॉरी, मेरा पहला भटूरा अच्छे से नहीं फूला था क्योंकि मेरा तेल सही से गर्म नहीं हुआ था, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका तेल अच्छे से गर्म हो गया हो। हाई फ्लेम पे रखें और ऐसे ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं।